बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, दिसंबर 23 में सबका एग्जामिनेशन है और मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि भाई इस बार का रिजल्ट 5% रहा और जितना भी हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही माइंड उधर जा रहा है कि यार अगली बार भी अगर रिजल्ट 5% रहा या उससे कम रहा, क्योंकि ऑफकोर्स प्रैक्टिकल बात है, हो सकता है इस बार अगर 5% रहा है तो ऑफकोर्स प्रैक्टिकल बात है कि उस पर कम भी हो सकता है, रिजल्ट बढ़ भी सकता है। और 5% से 3% रिजल्ट हो गया चाहे एग्जीक्यूटिव का चाहे प्रोफेशनल का। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ कह भी रहे हैं भाई सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक माइंड में ना बड़ा कन्फ्यूजन सी आ रही है कि यार अगर अगली बार में नहीं हुआ तो पढ़ते पढ़ते ना एकदम अचानक से माइंड उतर जाता है कि यार 25 फरवरी को फिर रिजल्ट अगर नेगेटिव आया तो क्या हूँ 5% में 3% में जो भी रिजल्ट होगा उसमें नहीं आ पाए तो। सो भाई पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ें आना नॉर्मल है, बट द थिंग इज़ दैट अगर पढ़ाई के दौरान ये चीज़ें आएंगी उससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो वो दिक्कत है। और यही बात इसकी कि यार अगर 5% आया, 3% रिजल्ट आया, 2% रिजल्ट आया तो उसका क्या होगा। सो गाइज, आपने अगर अपनी टीचर से सुना हो तो आई थिंक मैंने अपनी टीचर से एक बात सुनी, उन्होंने कहा था कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतनी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो, पूरी पूरी रात आप जाग रहे हो, सुबह सुबह उठ के पढ़ रहे हो, आप अगर मॉर्निंग स्टूडेंट हो तो आपके सेक्रीफाइस हैं, आपकी लाइफ है, आपका करियर है, आप पढ़ रहे हो पूरा, ठीक है, आपको पता आप कितनी मेहनत कर रहे हो। और जो जो स्टूडेंट से सोचते हैं अगर रिजल्ट 5% आता है, 3% आता है, सो आपको अपनी या तो प्रिपरेशन में बिलीफ नहीं है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो आपको पता है, आप कुछ चीज़ें छोड़ के जा रहे हो, आप अगर सेक्रीफाइसेस नहीं कर रहे हो, आप घूम रहे हो फिर रहे हो, ठीक है वो चीज़ है। लेकिन अगर आप 100% अगर मेहनत कर रहे हो और आपको इतना कॉन्फिडेंट अपनी प्रिपरेशन पे, अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि यार अगर 3% का 5% का 1% रिजल्ट आता है ना तो उसमें मैं होने वाला हूँ, तो ये चीज़ अगर आप बिलीफ रखोगे, ये चीज़ जो कॉन्फिडेंस होता है। और ये टीचर्स से मैंने सुनी बातें और टीचर्स भी थे और कहा था कि उस अटैम्प में वो पास हुए, क्योंकि उनकी काफ़ी स्ट्रगल लाइफ रहती है टीचर्स की, तो वो चीज़ अगर निकल सकती है सब क्लियर कर सकते हैं। और 5% भी रिजल्ट रहा है तो 5% में कुछ लोग तो पास हुए हैं, तो अगर वो कर सकते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं ना यार। तो हम अपनी मेहनत करते हैं बेहतरीन तरीके से, अब बस ये रखना कि इस बार जो गलतियाँ होती जून में वो गलतियाँ फिर से रिपीट नहीं करनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा अभी बोल रहा हूँ कि मॉड्यूल पूरा कवर करके जाना है, और अभी जो मेहनत है 3 महीने की है, पूरा आपकी रंगला जाएगी 25 फरवरी को। अदरवाइज अगर आप सोचते रहो तो दिक्कत है, रिजल्ट से पहले जितना सोचना है सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि रिजल्ट तो 25 फरवरी को आना है, आप चेंज नहीं कर सकते सोच के। लेकिन यहाँ आप सोच रहे हो दिसंबर में और पढ़ नहीं रहे तो दिक्कत है, यहाँ पर आप सोच के पढ़ के यहाँ पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट चेंज हो सकता है, लेकिन रिजल्ट से पहले सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम से पहले सोचोगे, एग्जाम से पहले पढ़ोगे और उसमें टाइम इन्वेस्ट करोगे और जितना हो सकेगा जल्दी सिलेबस करके सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर आर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली क्लियर होगा एग्जामिनेशन। और गाइस, कुछ स्टूडेंट्स के लिए बातें ऐसी हैं जो स्टूडेंट मुझसे कहते हैं, क्योंकि कई मैसेज आते हैं रिगार्डिंग कि भैया ये स्ट्रेटजी बता दो, इस सब्जेक्ट में कोई ऐसा चैप्टर बता दो, या कुछ 2-4 चैप्टर ऐसे बता दो, इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो जिससे पढ़ के मैं एग्जामिनेशन क्लियर कर पाऊँ। अभी मेरे पास काफ़ी मैसेज आए तो उस पढ़ के मैं स्टूडेंट को काफ़ी कह भी नहीं पाता मैं कैसे बोलूँ यार, ICSI ने आपको मॉड्यूल दिया है, ICSI ने अगर सपोज 14 चैप्टर 20 चैप्टर दिए हो तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ 10 चैप्टर कर लो या 5 चैप्टर कर लो, डोंट नो यार, कोई नहीं बता सकता, इवन टीचर जिन बना सकते कोई नहीं बता सकता। अगर आपसे बोल रहा है तो यार अपना रिस्क, अपना करियर, अपना एग्जामिनेशन, अपना पास खुद ही रिस्क लेके जा रहे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ सिलेबस का 1.1% भी आपको नहीं छोड़ना है, अगर मॉड्यूल है 200 पेज की, 400 पेज की, 1000 पेज की पूरी कवर करके जानी है। अगर आप पास फेल हो गए, ठीक है, छोड़ के जाओगे तो पूरा रिस्क आपका रहता है, क्योंकि आपकी 6 से 8 महीने की मेहनत है। फिर बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ यार कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। और रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे क्या क्या, आपको ही पता होता है आपने क्या छोड़ के गए थे, कितने प्रिपरेशन करके गए थे। तो गाइस बिल्कुल मत छोड़ो कुछ भी चीज़ें यार, 3 महीने की बात है, जान लगा दो। और प्लस ये बात यार, अगर कुछ आप छोड़ोगे तो यार देखो, अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरा भी आया, सबका भी, जिसका रिजल्ट आता है उसको भी पता होता है कैसे 6 से 8 महीने की मेहनत उसको बेकार नजर आती है, बेकार हो जाती है फिर 6 से 8 महीने की मेहनत 1 मिनट में 25 फरवरी को, है ना। तो मैं फिर से बोलता हूँ कुछ भी चीज़ें मत छोड़ो यार, आपका भाई भी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जितना होता है एटलीस्ट उतना करो यार, उसके बाद तो मैं बताते हूँ कैसे करना है। लेकिन अभी ये टाइम है, सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, अच्छा खासा नोट्स बना सकते हो, टाइम दे सकते हो, 3 महीने बचे हैं आराम से एग्जामिनेशन में, अभी से मेहनत कर सकते हो। बाद में जाके आप मुझसे 1 महीने पहले बोलोगे ना, फिर मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, पूरा मॉड्यूल कवर करो, एक एक चीज़ कवर करो मॉड्यूल की, ये चीज़ नहीं बोल पाऊंगा मैं, समझ रहे हो ना फिर आप। तो ये चीज़ अभी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी टाइम है, थोड़ा बहुत सारी चीज़ें कवर कर लो, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम दो, मॉड्यूल का 0.01% मैथ थोड़ा सिलेबस, ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट पेपर सॉल्व करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, स्कैनर करना है, रिवीजन कैसे करना है, 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन नोट्स कैसे बनाने, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन अभी जिस टाइम पर जरूरी है वो है नोट्स, आपका मॉड्यूल कवर करना, सिलेबस कवरना, क्योंकि जितने जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतने ज़्यादा आपके रिविजन हो पाएंगे। सो गाइज ये आप लोगों के लिए बात थी कुछ बतानी। सो गाइज दिसंबर 23 स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट वीडियो वेरी वेल गाइज, शेयर एज मच एज यू कैन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत परेशानी आए तो आपको भाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, प्लस टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ DM कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ नोट्स मेरे पढ़ूंगा CS एग्जीक्यूटिव के। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, सी यू लेटर।